जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वॉर्म के एज एन एडजेक्टिव और एज अ वर्ब चार डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। वर्ड वॉर्म को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कॉन्सेंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वॉर्म का सबसे कॉमन मीनिंग होता है गर्म के, और यह एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है, जिसका गर्म पानी, गर्म दूध। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया आई लाइक टू ड्रिंक वॉर्म मिल्क, कि मुझे गर्म दूध पीना पसंद है। इसके अलावा वॉर्म जो होते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि डिफरेंट शेड्स होती हैं, एनके जो होती हैं उनमें सन ग्लासेस, उनमें कोई येलो, ब्राइट रेड, पिंक, ब्लू, इस तरह के कलर्स होते हैं, तो उनको वार्म कलर शेड्स कहते हैं या वार्म शेड्स कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आई लाइक टू वेयर वार्म शेड्स, कि मुझे मतलब नीली पीली एनके लगाने का शौक है, मुझे पसंद है। आई लाइक टू वेयर वार्म शेड्स। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई आपके साथ गर्म जोशी से मिलते हैं, बड़ी खुशी से मिलते हैं, तो उस वक्त भी हम वार्म का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे ही ग्रीटेड अस वार्मली, कि उसने हमें गर्म जोशी से, उसने हमारा इस्तकबाल किया, तो वार्म से हमने वार्मली कह दिया। इसी तरह अगर थोड़ी सी सर्दी है, लेट सपोज, और मैं आपको कह रहा हूँ यार स्वेटर पहन लो या जैकेट पहन लो गर्म रहने के लिए, ताकि तुम्हारी बॉडी गर्म हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे वर्ब के लिए वार्म को यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वेयर योर जैकेट टू वार्म योर बॉडी, कि भाई अपनी जैकेट पहन लो अपने जिस्म को गर्म करने के लिए। तो यहाँ पे अब ये वार्म गर्म करने के लिए वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, कोई काम हो रहा है। वेयर योर जैकेट टू वार्म योर बॉडी। इसी तरह दोस्तों, एडजेक्टिव के तौर पे वार्म को हम एक और सेंस में यूज़ करते हैं, जिस समय कहता हूँ यार इट्स नाइस सनी एंड वार्म डे, कि आज थोड़ा सा, सर्दियों की बात है, गर्मियों में नहीं, सर्दियों में हम कह रहे हैं कि आज चमकीला और गर्म दिन है। सेंटेंस बना लेते हैं, इट्स आ वार्म एंड सनी डे, कि आज गर्म और चमकीला दिन है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड वार्म के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वार्म को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है, उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, गुड डे।